हेलो दोस्तों, मैं हूं नाजिम खान और आप देख रहे हैं चैनल टैक्रो प्लस। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है अविनाश। उनकी डिमांड है कि टैली के अंदर मल्टीपल एंट्रीज को कैसे डिलीट किया जाता है। उनका क्वेश्चन आया था, मैंने उनको रिप्लाई भी कर दिया था, बट उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मल्टीपल एंट्रीज को कैसे डिलीट किया जाता है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मल्टीपल एंट्रीज को कैसे डिलीट किया जाता है। बहुत ही सिंपल है, आपको स्पेस बटन दबाना है और एंट्री ऑटोमेटिक सेलेक्ट होती जाएंगी, फिर ऑल्ट डी दबाना है और डिलीट। बहुत ही ईजी है, उनको समझ में नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको वीडियो में समझाता हूँ कि आप मल्टीपल एंट्रीज को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आने वाली वीडियोस में टैली के सारे ऑप्शन कवर करने वाला हूँ, चाहे वो छोटा ऑप्शन हो या बड़ा ऑप्शन हो। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा सॉफ्टवेयर सिखाने वाला हूँ और उसके बाद उसी तरह से एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ और भी काफी सॉफ्टवेयर हैं, जिसका मैं हर एक ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। आप अगर ये सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने टैली पे। अब हम जाएंगे वहां पर जहां हमारी एंट्रीज हैं। मैं चलता हूं डिस्प्ले टे बुक, मैं यहां से एंट्री सेलेक्ट कर लेता हूं। स्पेस बटन दबाना है और ये सेलेक्ट हो गई है स्पेस। इस तरह से आपको सेलेक्ट करते जाना है और आपको सिंपल किसी भी एंट्री पे यहां पर ऑल्ट डी कर देंगे तो ये सारी एंट्री डिलीट हो जाएंगी। यस कर देता हूँ तो अब आप देख सकते हैं मेरी सारी एंट्रीज डिलीट हो चुके हैं जो मैंने सेलेक्ट की थी। बहुत ही सिंपल है, स्पेस दबाना है, सेलेक्ट करना है और ऑल्ट डी यस ये करना है। अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप जीमेल की बहुत सारी ईमेल आईडी को एक जगह कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यानी कि आपके 10 ईमेल आईडी हैं, उन सबका मेल एक मेल पर आएगा और उसी एक ईमेल आईडी से आप 10 ईमेल आईडी का मेल भेज सकते हैं। सामने वाले क्लाइंट को केवल वही ईमेल आईडी मिलेगी जिससे आप भेजना चाहते हैं। बहुत ही कमाल का फीचर है दोस्तों। वीडियो को जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर दबाएं।